दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों यहां पर एनआईएस के से जो डीएलएड हो रहा है उसके एग्जाम डेट को लेकर नई खबर आई है, उसके डेट को बढ़ने को लेकर, और यहां पर पूरी बात हम देखेंगे यहां पर आज के न्यूज़ के माध्यम से। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज का क्या है अपडेट और क्या बातें यहाँ पर निकल के आई है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको वो आज के दैनिक जागरण के थ्रू बता रहे हैं, और दैनिक जागरण के यहाँ पर पटना के एडिशन में पेज नंबर 8 पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर ऊपर में ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर शिक्षकों ने कहा डीएलएड परीक्षा की बढ़ाए तारीख, तो उसके बाद क्या क्या बात है पूरी बात हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस न्यूज़ का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप यहाँ से पूरा न्यूज़ जो है खुद भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, हम आपको पहले ये पूरा न्यूज़ बताते हैं कि ये क्या बात है और किस प्रकार से यहाँ पर आगे बातें होने वाली है। तो अगर यहाँ पर देखें तो शिक्षकों ने कहा डीएलएड परीक्षा की बढ़ाएं तारीख, और यहाँ पर आगे अगर इस न्यूज़ को हम के तरफ रुख करें तो कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स यानी कि डीएलएड का एसबीए प्रोजेक्ट जमा करने के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों की भीड़ अध्ययन केंद्रों पर जुटी रही। 31 मई 1 और 2 जून को प्रथम वर्ष की परीक्षा होगी। 4 जून से लेकर 15 जून तक सभी प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए कार्यशाला आधारित गतिविधियां यानी कि WBA कोर्स 512 के अध्ययन केंद्र पर क्लास करना अनिवार्य है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि 31 मई 1 जून 2 जून को जो परीक्षा है उसके बारे में, और उसके बाद आगे इसमें कहा गया कि आपका जो बेसिकली बिहार का जो वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी है वो 4 जून से 15 जून के बीच यहां पर WBA कंडक्ट होने वाली है 512 कोर्स का। आगे इसमें है कि पवित्र महीना रमजान में यह तिथि होने के कारण इसे बदले जाने की आवाज हर स्तर से उठने लगी है। सैकड़ों शिक्षक इस बाबत एनआईएस को पत्र भेज चुके हैं। तो चूंकि अभी जो भी कुछ यहां पर हो रहा है वो रमजान के बीच में हो रहा है, तो बहुत सारे शिक्षकों ने इस बारे में यहां पर एनआईएस को पत्र लिखा है। बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव मोहम्मद शफीक ने शिक्षा मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री, उर्दू निदेशालय एनआईएस के क्षेत्रीय निदेशक, DEO समेत अन्य अधिकारियों को पत्र लिखा है। इनका कहना है कि रमजान में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक WBA का क्लास करना मुस्लिम शिक्षकों के लिए संभव नहीं हो सकेगा। भीषण गर्मी और रमजान को देखते हुए WBA आधारित क्लास की तिथि ईद के बाद घोषित किए जाने की मांग की गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मांग की जा रही है वो WBA को लेकर की जा रही है, और यहाँ पर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम डेट में यहाँ पर कोई परिवर्तन करने की मांग की जा रही है। जो यहाँ पर मांग की भी गई है, ये जो यहाँ पर न्यूज़ का हेडिंग है, यहाँ से आप लोग जो है घबरा सकते हैं या इसका कोई अलग अर्थ निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आज से पहले भी 4-5 दिन पहले इस प्रकार की कई वीडियोज़ यूट्यूब पर आई और न्यूज़ पूरी तरीके से व्हाट्सअप और अदर सोशल नेटवर्क पर फैलाई गई, जिससे आप लोगों के मन में भ्रम हुआ। तो यहां पर इस हेडिंग से भी आपको यहां पर भ्रम हो सकता है, तो इसलिए हम आपको यहां पर क्लियर करना चाहते हैं कि जो बढ़ाने की मांग हो रही है वो WBA को बढ़ाने की मांग हो रही है। वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी जो 4 जून से 15 जून तक है बिहार में, उस वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी को बढ़ाने की मांग हो रही है। जो आपका सेमेस्टर का थ्योरी एग्जाम है 31 मई 1 जून 2 जून, उसको बढ़ाने की कोई मांग नहीं है और उसके बारे में किसी भी प्रकार की बात नहीं है, उसके परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे अगर देखें तो इधर शिक्षाविद मोहम्मद शाहिद अनवर का कहना है कि डीएलएड कर रहे मुस्लिम शिक्षकों में अधिकांश महिलाएं हैं। रमजान में एक महिला को घर में रहकर इबादत करने के साथ ही रोजेदारों के लिए इफ्तार और सहरी की तैयारी भी करनी पड़ती है, तो जिससे कि यहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बेसिकली इनका जो यहाँ पर डिमांड है वो डिमांड ये है कि जो WBA है 4 जून से 15 जून तक बिहार में, उसे यहाँ पर जो है चेंज किया जाए और उसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर यहाँ पर डिमांड हो रही है। एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर किसी भी प्रकार की बात नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो WBA का यहाँ पर लिस्ट ऑलरेडी आया था, क्लिक ऑफ स्टडी सेंटर पे जब आप जाएंगे उसके बाद अंदर में आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म WBA स्केड्यूल स्टेट वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर कि अभी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और सिक्किम, इन सब जगहों का यहाँ पर जो है WBA स्केड्यूल आया है। तो उसमें अगर आप बिहार का WBA स्केड्यूल देखेंगे तो वहाँ पर 4 जून से 15 जून तक
वहाँ पर WBA करने की मांग हुई है और उसे ही बढ़ाने की यहाँ पर डिमांड हो रही है। तो आज से 2-3 दिन 4 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें DLED के बारे में बताया गया था और एग्ज़ाम डेट भरने के बारे में बताया गया था, जो कि मध्य प्रदेश से था। अगर आपको याद होगा तो योर ऑनलाइन पार्टनर पर आपको उसका खुलासा किया गया था। अभी आप जो स्क्रीन पर लेफ्ट साइड से ये वीडियो देख रहे हैं कि फिर बढ़ी DLED परीक्षा की तिथि, अब 10 जुलाई से होंगे पेपर। ये न्यूज़ का खुलासा हमने आपको ऑलरेडी किया था। और जो दूसरा न्यूज़ आज आप लोगों के बीच में आया है, हालांकि वो न्यूज़ आपके NIOS से ही है, NIOS के लिए ही है, लेकिन आपको ये चीज़ें यहाँ पर जान लेनी चाहिए और ये चीज़ें आप अपने माइंड में क्लियर रखें कि ये आपका DLED के सेमेस्टर एग्जाम भरने को लेकर नहीं है। ये बिहार में जो वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी हो रहा है NIOS से DLED के लिए, उसके लिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि उसकी तिथि बढ़ाई जाए, जो कि 4 जून से 15 जून होने वाली है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो बिहार का यहां पर स्केड्यूल है WBA का, उसमें अगर आप यहां पर देखेंगे तो ऑलरेडी स्केड्यूल यहां पे आप देख सकते हैं कि 4 जून से किया जा रहा है। 4 जून को यहां पर पहला क्लास WBA का होगा, उस प्रकार से वो क्लास चलेगा और 15 जून तक ये क्लास चलेगा। इसके बारे में NIOS के वेबसाइट पर भी नोटिस आ चुकी है, जिसके बाद से कि यहाँ पर शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है रमजान को लेकर, तो इसलिए ये रिक्वेस्ट की जा रही है। अब देखना ये है कि क्या WBA का स्केड्यूल बढ़ता है, क्या NIOS इसमें कुछ एक्शन लेता है। अगर कुछ एक्शन लिया जाएगा या कुछ चेंज किया जाएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन एग्जाम को लेकर यहाँ पर कोई चेंजेज नहीं होगा। एग्जाम को लेकर पूरी तैयारियाँ कर ली गई है। ये बात मैं मानता हूं कि अभी तक आप लोगों का हॉल टिकट अभी तक नहीं आया है, ये आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, लेकिन अब बहुत जल्द हॉल टिकट आप लोगों तक पहुंच जाएगा या एग्जाम सेंटर का जो डिटेल्स है वो आप तक पहुंच जाएगा। तो उसको लेकर आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जो मेनली बात यहाँ पर WBA के एग्जाम डेट को WBA को लेकर है, तो WBA के डेट भरने की बात हो रही है, उनके लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो आपका सेमेस्टर का एग्जाम डेट है उसको भरने को लेकर कोई बात नहीं है। इसलिए आप लोग किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में ना रहें, कोई हेडिंग को देखकर, कोई न्यूज़ को देखकर। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चूंकि आज ये न्यूज़ आई है तो कई जगह न्यूज़ फैलेगी, कई तरीके से न्यूज़ फैलेगी, इसलिए हमने उचित समझा कि आपको इस चीज़ों की जानकारी दी जाए। अगर आप न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, खुद से भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिए कोई सुझाव या सलाह है तो, और शेयर करिए लोगों के साथ ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और कोई भी लोग भ्रम में ना रहें। आगे अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, जहां से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये सब बिल्कुल मुफ्त है। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।